इस तरह की परेशानियां रहती थी। तो हमने उन्हें चेक किया और इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें कि उन्हीं उनकी लेफ़्ट साइड की किडनी ख़राब पाई गई, जिसमें स्वेलिंग भी थी। तो पेशेंट से बात करने के बाद, उनको समझाने के बाद कि आपके पास ये इलाज के तरीके हैं, जिसमें ज़्यादातर एक बार किडनी ख़राब हो जाती है तो हमें उसे बॉडी से निकालना ही पड़ता है। बॉडी से निकालने के लिए या ऑपरेशन करने के लिए कई ऑप्शंस या पद्धतियां अवेलेबल होती हैं पेशेंट के पास, जिसमें चीरा लगा के ओपन तरीके से किया जा सकता है, या फिर लैप्रोस्कोपिक, जिसको हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से या की होल सर्जरी बोलते हैं, जिस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि पेशेंट को बहुत छोटा चीरा या इंसीजन लगता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी और जल्दी हो जाती है, जिसमें कि पेशेंट को 1 से 2 दिन के बाद ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। पेशेंट को 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर हम खाने के लिए अलाव कर देते हैं, उनको परमिशन दे देते हैं, एंड चलने के लिए भी उनको परमिट किया जाता है। अगले दिन उनको और खाने के चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, जिससे वो अच्छे से टॉलरेट कर पाएँ, और नेक्स्ट डे हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसी तरीके से इसी पेशेंट को भी हमने दूसरे दिन अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था। शी वॉज मतलब काफ़ी खुश थी और सेटिस्फाइड थी कि उनका जो प्रॉब्लम थी ठीक हो गई है, और अभी भी वो हमारे फॉलोअप में हैं, और वो काफ़ी तंदुरुस्त हैं और स्वस्थ हैं। सर, ये लैप्रोस्कोपी, इनके जो आपने उनका इलाज किया जी, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे? हाँ जी, लैप्रोस्कोपी एक आप मान लीजिए सर्जरी करने का एक मेथड है या तरीका है, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि छोटे से इंसीजन से या चीरे से, जो कि 0.5 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक का ही इंसीजन आता है, और हम ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालते हैं पेट में, जहाँ पे किडनी होती है, और उसे काट के हम वहीं से निकाल देते हैं। निकालने के लिए 2 से 5 सेंटीमीटर का इंसीजन ही आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेशेंट के 2-3 बहुत छोटे छोटे इंसीजन होते हैं, जो कि उसको जल्दी रिकवरी और जल्दी डिस्चार्ज में हेल्प करते हैं। इससे और भी फायदे होते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड लॉस है, या जो पेशेंट के अंदर की ऑपरेशन की प्रक्रिया है जिसमें खून बहता है, वो भी ना के बराबरी होती है इन कंपैरिजन टू ओपन सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक की तरह के तहत नारायणा अस्पताल में अब तक कितने मरीजों का इलाज किया गया? लेप्रोस्कोपी ज़्यादातर जो इलाज होते हैं नारायणा हॉस्पिटल में, आप कह लीजिए more than 90%, कोई भी डिपार्टमेंट हो सर्जरी से रिलेटेड, नारायणा हॉस्पिटल में ज़्यादातर लैप्रोस्कोपी से ही इलाज किए जाते हैं। सर, नारायणा हॉस्पिटल में जो किडनी और यूरिन के जो पेशेंट आते हैं, उनकी देखभाल कैसे सुनिश्चित किया जाता है? जी, हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो पेशेंट जब हॉस्पिटल में एंटर करता है, वहाँ से शुरू हो के उनका जो जो ओपीडी का रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे उनको असिस्ट करना, वहाँ से उनका जो डेजिग्नेटेड रूम है जहाँ डॉक्टर उनको मिलेंगे, वहाँ तक गाइड करना, उनकी हेल्प करना, उनको व्हील चेयर या उनको गाइड करके वहाँ तक पहुँचाना, डॉक्टर से रिलेटेड उनकी जो भी काउंसलिंग है उनको समझाना उनकी खुद की लैंग्वेज में। डॉक्टर से मिलना तो एक चीज़ है, उसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं उसको भी वो हेल्प करते हैं। और जहाँ तक बात आती है एडमिशन की या इलाज की, ये तो ओपीडी में मैंने आपको बताया, एडमिशन के टाइम भी सिमिलरली अगर पेशेंट को कोई क्वेरी है या कोई एंग्जाइटी है, वो पूरे अच्छे तरीके से काउंसिल किया जाता है। और जब एक बार पेशेंट एडमिट हो जाता है तो हमारे मल्टीपल चेक्स होते हैं, सब कुछ हमारा जो सिस्टम है ऑनलाइन है, डिजिटल है, जिसमें कि मार्जिन्स ऑफ एरर काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जो उनकी पेशेंट की ओवरऑल केयर है वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाती है। सर, इतने सारे मिथ है और रूमर फैलाया गया है कि लैप्रोस्कोपी से काफ़ी लोगों को डर लगता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कैसे आप लोग लोगों के डरों को दूर करते हैं? देखिए, लैप्रोस्कोपी सर्जरी से रिलेटेड सबसे बड़ी जो मिथ है, या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, चाहे वो स्टोन के लिए हो या किडनी रिमूवल के लिए हो या प्रोस्टेट के लिए हो, सबसे बड़ी मिथ ये है कि लैप्रोस्कोपी से या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसेस से आधा ऑपरेशन होता है या अधूरा होता है, या कोई हिस्सा या कोई पार्ट छूट जाता है बॉडी में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है जो कई सोर्सेस से फैलाई गई है या प्रचलित है, ख़ास करके जो गांव वाले एरिया है या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ये ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा जो इलाज का तरीका है वो सेम टू सेम एज ओपन सर्जरी है, एंड जो रिजल्ट्स हैं वो उससे कई गुना बेहतर हैं। सर, नारायणा हॉस्पिटल में किडनी रोग प्रबंधन
या फिर क्या कहते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से रिलेटेड कोई एक सफल प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा बताइए, या फिर आपके जो पेशेंट है उनका फीडबैक कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए पेशेंट, अगर हम पेशेंट की तरह जगह खुद हों तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी जगह, जब तो हमारा जो हमारी जो जो प्रॉब्लम्स हैं या जिस जिस पॉइंट्स पे हमारी प्रॉब्लम आ सकती हैं उनको हमें ठीक से टैकल किया जाए, उन्हें ठीक से संभाला जाए, या हमारी जो कुछ परेशानियां होती हैं उन्हें समय पे आप अगर उन्हें संभालते हो या उन्हें आंसर करते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। सपोज़ पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन हो रहा है तो आप बहुत ही क्विक वे में उसको कैसे आप रिलीव करते हो, ऐसा नहीं कि पेशेंट को आधा घंटा हो गया कोई पहुंचा नहीं है। सो हमारा जो सिस्टम यहाँ पे बहुत ही स्ट्रीमलाइन हमने किया हुआ है, एक पूरे स्टेशन पे हमारे सिस्टर रहती हैं, एक रेजिडेंट डॉक्टर भी रहते हैं उसी समय सिस्टम पे, उसी फ्लोर पे, हर फ्लोर पे हमारे सिस्टम पे सब कुछ अवेलेबल रहता है। और जो पेशेंट रिलेटेड डेजिग्नेटेड सिस्टर्स या स्टाफ होती हैं, अगर पेशेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत उसे सुना जाता है, समझा जाता है, उसी समय एड्रेस किया जाता है, और जो कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे तुरंत फ़ोन पे या उन्हें बुला के उसका ऑप्शन या जो भी ट्रीटमेंट है तुरंत किया जाता है, जिससे कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ता है। तो इसी तरीके से हमारे कई सारे पेशेंट्स हैं जो फॉलोअप में आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश रहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी या जो हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट था बहुत अच्छे तरीके से किया। सर लेप्रोस्कोपी के तहत जो इलाज किया जाता है क्या उसमें खर्चा बढ़ जाता है या जो पहले लगता था उतना नहीं? जी देखिए खर्चा उसमें लगभग उतना ही होता है जितना ऑपरेशन के दौरान चीरा लगा के होता है। जो चीज़ें हैं उसमें वेरी करती हैं, चीरा लगा के हमारा जो स्टे होता है हॉस्पिटल में वो बढ़ जाता है। अगर वही ऑपरेशन, जैसे मैं अगर किडनी निकालने के ऑपरेशन की बात करूं तो उसमें अगर चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाए तो 15 से 20 सेंटीमीटर का साइज़ का इंसिजन दिया जाता है जिसमें पेशेंट की रिकवरी डिले होती है। तो ऐसे पेशेंट को हम हॉस्पिटल में 4 to 5 days तक रखेंगे, और जो लेप्रोस्कोपी से होता है वो 1 to 2 days में ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो ओवरऑल जो जो बिलिंग या आप खर्चे की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम ही आता है। सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वाले अभी तक आपके पास कितने पेशेंट आ चुके हैं और कितने यहाँ से आपको फीडबैक एकदम अच्छा फीडबैक दे रहे हैं? देखिए अभी तक अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आई हैव मोर देन 500 लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स का एक्सपीरियंस है। उसमें चाहे आप किडनी निकालने की हो या प्रोस्टेट निकालने का हो या स्टोन निकालने के ऑपरेशंस हो या पाइलोप्लास्टी हो या कैंसर रिलेटेड सर्जरी हो, उनका भी इलाज यहाँ पे लेप्रोस्कोपी द्वारा ही किया जाता है। तो पेशेंट्स का जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। सर एक लास्ट सवाल आपसे कि जैसे किडनी के बारे में आपने बताया कि कैसे उनका इलाज किया गया, तो किडनी का बचाव कैसे करें लोग, आम जो जनता आपको देख रही है उनके लिए थोड़ा सा एक मैसेज आप दे सकते हैं कैसे उनकी देख रेख करें? देखिए जी किडनी का बचाव या अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 4-5 जो मूल मंत्र हैं वो यही हैं कि अपना आप खाना ध्यान पे ध्यान से, जो हमारा बैलेंस डाइट या हेल्दी डाइट होती है वो लेनी है और समय पे लेनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। दूसरी चीज़ किसी भी तरीके के नशे से दूर रहना है, नशा चाहे वो धूम्रपान का हो या शराब का हो या किसी भी किस्म का नशा है वो आपकी बॉडी को ओवरऑल हैम्पर करता है इंक्लूडिंग योर किडनी हेल्थ। थर्ड थिंग है स्ट्रेस से आपको दूर रहना है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो आपकी बॉडी में वो आपके हर अंग को अफेक्ट करता है। चौथी चीज़ नींद आपको पूरी लेनी है, आप अपने समय पे 6 घंटे 8 घंटे जितना भी आप सोते हैं रात में आपको एक समय पे सुनिश्चित समय पे सोना है, और रात की ही नींद आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे दिन में सो रहे हैं और 4 घंटे रात में तो 8 घंटे, दैट इज़ नॉट गुड। आपके लिए जो जो नींद का समय है वो रात का ही समय है ताकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स आपकी बॉडी की साइकिल क्लॉक पूरे तरीके से रहे। एंड लास्टली अगर आपको कोई बीमारी है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है, शुगर हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया, वो आपकी बॉडी में किडनीज़ को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो अपना रेगुलर तरीके से फॉलोअप आप जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं कराते रहिए, अपने किडनी के टेस्ट, अपने शुगर के, बीपी का चेकअप समय पे कराते रहिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे समय पे पकड़ा जाए और उसका निवारण किया जाए।